नमस्कार संध्या 8टा बुलेटिन अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुच्ची मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान कमुचि संक्रमण हेले कमुनी मृत्यु संख्या गत 24 घंटे राज्य में आउ 911 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती संगरोधर 531 जन चिन्हट होता बेले 380 जन स्थानीय अंचल चिन्हट होती सबुठार चिंतार कथा आक्रांतों मध्य अच्छा 116 जन 18 वर्षर कम वयस्क 18 वर्षर कम वयस्कों टीकाकरण हो चिंता बढ़ाई सेपटे आउ 66 जन जीवन नहीं किलर वायरस एस राज्य में मोट मृत्यु संख्या 7,299 को वृद्धि पाई तेज 926 जन सुस्थ होता बेले 9,497 जन एबी चिकित्साधीन अच्छा 12+ बयसर पिला टीका को अनुमति मिलवा पर डीएमईटी सीबीके महांती प्रतिक्रिया छोट पिला जाइडस काड़ा टीका देवाने कौन जितिय गाइडलाइन आसी नहीं गाइडलाइन आसवा पर टीका देवाई आम व्यवस्था करूँ आम राज्य में वर्तमान संक्रमित चिन्हट होती प्राय 12% शिशु रही भुवनेश्वर संक्रमण अधिका रहा नहीं डीएमईटी कहते एटी लोक कोविड नियम मानुन संक्रमण वृद्धि पाई जुलाई 21 तारीख में भारत सरकार जो बुलेटिन प्रकाश करते पीआई भितर से 12% थी से पाखापाखि रोचु भी आम मैंने मुकबिला तो प्रस्तुत अच्छू कहीसु जैकब डीटा 12 वर्षर ऊर्ध आसी गत काली डीसीजीआई सीडीएसओ परमिशन देते 12 वर्ष ऊपर सेटा व्यवहार करहबे सेटा इपर्त तो नेशनल गाइडलाइन आसनी आप जानते हैं टीकाकरण संपूर्ण केन्द्र सरकार नियंत्रणाधीन सी गाइडलाइन दौंस सी भी सप्लाई करेंगे कारण गाइडलाइनटा कंट्रोल सप्लाईटा कंट्रोल जो दिन यहाँ निर्दिष्ट भाव में गाइडलाइन आसीजीव से टीकाकरण कराव पा हाट बजार में लोकने गहली कर संक्रमण को डाकुंट बुस्टर डोज देवानी आम निकट को कौन गाइडलाइन आसीना इस्राएल समेत किसी देश में बुस्टर डोज दि जाऊँगी वर्तमान गाइडलाइन आसीना आगू जदि आवश्यकता पड़े केंद्र सरकार गाइडलाइन प्रकाश करती तेज दिज्वी डीएमटी सीबीके महांती भुवनेश्वर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक पर प्रतिक्रिया रखिले धर्मेन्द्र प्रधान एक्स नेशनल इको सिस्टम को प्राधान्य दि जाऊँगी केन्द्र राज्य समन्वय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावशाली हो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते प्रशिक्षण दबार गोटे व्यवस्था आज करते प्रथम उच्च शिक्षा परवर्त अवस्था स्कूल शिक्षा ये दुईट जाक विभाग चलु प्रयास भारत सरकार प्रयास उभय सरकार मिलित प्रयास और ओडिशा सरकार विशेष प्रयास ये गुड़िक संपर्क में बुझापी आज चेष्टा करो एक बहुत उपादेय इनफॉर्मेशन सब मत मिला मोर कल्पना मोर दायित्व को आहरी सक्रिय करने आहरी प्रभावशाली करने आज ये मुझे प्राइमरी स्कूल रो स्टूडेंट भावे आसी ये बुझापी देशर नूतन शिक्षा नीति जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू होती स्कूल शिक्षार आरंभ करसर अंगनवाड़ी जाऊवा पिला बाल बाटिका जाऊवा पाठ आरंभ करा पर्यंत पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट पर्यंत गोटे नुआ अप्रोच रे एनईपी देश को देखुच राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखुच से अनुसार गोटे राज्य केमती आलाइन करूँ समन्वय कर आवश्यकता अच्छी मोपाई यह एक फलप्रद बैठक है सेहीपरि शिक्षा क्षेत्र में विकास में ओडिशा सरकारों विशेष प्रयास आवश्यकता रही शिक्षा अधिक प्रभावशाली करने को राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर मूल आधार ज्ञान सह रोजगार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ओडिशा रे क्रियान्वित करिबा बड़ दायित्व बोली से निजर प्रतिक्रिया रे कहिसेंती केन्द्र शिक्षामंत्री ओडिशा गस्तरे तृतीय दिन में आज राज्य उच्चशिक्षा विभाग समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली हिंजिली आरंभ है राज्य सरकार उच्चाकांक्षी स्कूल रूपांतरण कार्य 5T उपक्रम हिंजिली 50 स्कूल रूपांतरण कार्य संपूर्ण होती प्रथम पर्यायर 10 रूपांतरित स्कूल को आज लोकार्पित करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अवसर में 10 जाक स्कूल आयोजित होता स्वतंत्र कार्यक्रम को
वर्चुअल माध्यम उद्घाटन कर मुख्यमंत्री कहते प्रति पिला हेउछि अनंत संभावनार प्रतीक हिंजुलीरे आरंभ होइथिबा एही रूपांतरण कार्य सारा राज्य को बाट देखाइछि। सारा राज्य में प्रथम पर्यायर 1070 स्कूल कायाकल्प होबोली मुख्यमंत्री कहते। टोकियो ओलंपिक रे कमाल देखाई जन्म माटी को फेरी सुंदरगढ़ चारि हॉकी खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी दल वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहित दास तथा महिला हॉकी दल दिव्येश एका और नमिता टप्पो घर को बाहुं जिला प्रशासन और सुंदरगढ़ वासी पक्षर से भव्य स्वागत करा सबुटी उत्साह माहौल विमान जोगे दिन 12टे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट खेलाड़ी पहुंचे से जिला प्रशासन और क्रीड़ा विभाग अधिकारी से स्वागत कर 22 किमी दूर सुंदरगढ़ एक स्वतंत्र क्यारेडर में पाछटी आनी। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा को पुणी जेरा 3 घंटा गुड़े तुड़े जेरा करिथिला क्राइमब्रांच विद्या भारती अनैतिक संपर्क रही कि सौम्य को जाणीशुणी मानसिक चाप दि जाता कि तथाकथित मृत्युकालीन जमानबंदी बेले अभियुक्त डीएफओ हस्पिटाल करुथिले कौन एमिती अनेक प्रश्न को नहीं घाटी क्राइमब्रांच हेले सबु अभियोग को डीएफओ खंडन करथिबा कहिसेंति क्राइमब्रांच डीएसपी सर फोटो क्राइम ब्रांच को पचारन सर मृत्यु जमानबंदी भांगिला मास्टर कैंटीन रे थिबा युद्ध घोड़ा संलग्न नर्तकी मूर्ति मास्टर कैंटीन सौंदर्यकरण काम समय रे मूर्ति स्थानांतरण बेले भांगिला मूर्ति मूर्ति को अठा लगाई जोड़ा जाइछि घोड़ा और योद्धार चारिपाखे थिबा मूर्ति को स्थानांतरण आरंभ होइछि। एही मूर्ति गुड़िक सहरर विभिन्न छकरे लगाजिबो तेबे स्थानांतरण बेले गोटिए भांगी जाइथिबा एक मूर्ति को अठा लगाई जोड़ा जाइछि पत्थर रे जेतेबेले मूर्ति गढ़ा जाए से तार देखा जाए जे कौन प्रकार कौन तार पानी जीवा रास्ता किंबा जोटा को आम कहू बोल से बोल ना दरकार जदि बोल थाए ताले से जगार आम सब मूर्तिर चिरीकिरी टाण पथर भर्ती कर एरो लाइट दे जेहेतु से पानी खाई बहुत दिन है तार रक्षणाबेक्षण करा तेणुकर छाड़गला एरो लाइट जॉइंट होटा भी एत दूर मिसीजे माइक्रोस्कोपिक कैमेरा भी आने भी जापर बहु पुरतन मूर्ति और रक्षणाबेक्षण अभाव एमती हो पद्म विभूषण सुदर्शन साहू का पुत्र सूर्य नारायण साहू कहते एक कार्य अनेक कुशली श्रमिक नियोजित होती केवल ही मूर्ति छक रार सौंदर्यकरण आवश्यक पदक्षेप निपरी अन्य मूर्ति गुड़ी सहर अन्य स्थान में स्थापन कर। भुवनेश्वर एम्स पक्षर बड़ घोषणा राशन कार्ड धारी एम्स मागणा इक्मो चिकित्सा एम्स पक्षर यह घोषणा करूचना देखते एम्स अधीक्षक सचिदानंद महांती जेकोसी गरीब आसिले से इक्मो चिकित्सा संपूर्ण मागणा करा बोली से सूचना देखते गत जुलाई 15 एम्स रे कार्यक्षम इक्मो मशीन। एक घंटे प्रस्तुत है बर्न आईसीयू एम्स निर्देशिका गीतांजलि बत्तमानवों प्रत्यक्ष तत्वावधान में प्राय 30 डाक्टर और नर्स युद्धकालीन भित्तिर आईसीयू प्रस्तुत कर चिकित्सा आरंभ कले। गत 19 तारीख में खोर्धा गंभीरमुंडा गांव में गैस सिलिंडर फाटी 6 जन गुरुतर होते भुवनेश्वर एम्स को पहुंचा पर तुरंत आरंभ होता चिकित्सा सिलिंडर फाटा पर हस्पिटाल को आसीबा गुरुतर 50% रु अधिक पोड़ जाइछि 100% पोड़ जाइथिबा 2 जन मृत्यु होता बेले अन्य 4 जन एवं चिकित्साधीन अछन्ति। गुरुवार दिन आम कल पाइल 12:30 गोटे बेले कल आउ इमिडिएटली आमर जी मैन पावर थी समस्ते रश करलु कैजुअलिटी को कैजुअलिटी जाठी 6 जन जो आसते 8 जन आसते प्रथम से 5 जन को आम इमिडिएटली एडमिट कलु डायरेक्टर मैडम को इमिडिएट इंस्ट्रक्शन आम इमिडिएट जो आम जो बर्न यूनिट तैयारी हो ना बट स्टिल देन आम पूरा 5टा
ভেটিলেটর ইউজ করি সাংে সাংে পেসেন্ট কু সিফট করে নেলু পুরা স্পেসিফিক ইউনিট কু স্পেসিফিক গোটা ইউনিট বনাহেলা সাংে সাংে সেটি পেসেন্ট মানে রয়েকি ট্রিটমেন্ট নেছে আউ তিনজন মাইনর লা যে চালগে মানে তাকে ডিসচার্জ করে পড়ে আমার বহু ম্যান পাওয়ার অনেক আমি চেষ্টা করি যেমি চেষ্টা করি যেমি সে প্রপর রিসসিটেসন করি তাঁর লাইফটা আগে বঞ্চা যাও প্রপর প্রিলিমিনারি তাঁকু যা বি ট্রিটমেন্ট দেওয়া কথা প্রথম ইনিশিয়ালি তাঁকু দিয়া যাও সেইটা আমি দেছু এটি সেটি কিছু অসুবিধা নেই দেখ টোটাল আমার ছটি কেস আসছিলা ছটি জনে পেসেন্ট সে আউটডোর চালগে তাঁর পরসেঞ্জ বহুত কম লা কালি সকাল ঘটনা নটা দশ টা ঘটনা পাঁচ জন ছ জন সে জন চালগলা পরে আঁচ জন বহু জনক সিভিয়ার বর্ন ইঞ্জুরি লা পাঁচ জন তিন জনকর লা বহুত সিভিয়ার 90-100% বর্ন লা সমস্ত আমি সুইফটলি উইদিন ওয়ান আওয়ার ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট সেইটি আরম্ভ হয়ে গেল কমান্ড এমার্জেন্সি ইট ওয়াজ সো প্রম্প আমার যে টিম লাগিছিল সেমানক মু ধন্যবাদ দেবি সমস্তে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক ট্রমা এন্ড এমার্জেন্সি আমার একটিভ সুপরভিজন গোটা আইসিউ ফটাফট খোলাগলা আদিন ওয়ান আওয়ার সমস্ত সিফ্ট করে কালি রাত্রি বি পরদিন রাত্রি বি আউ গোটে পেসেন্ট আসছিল টোটাল আমি পাখে ছজন পেসেন্ট থাকলে ছজন বর্তমান আইসিউরে চারজন চিকিৎসিত হচ্ছেন সেইথর দুইজন অবস্থা একটু ভাল নুহ এতিমধ্যে দুইজন ভেটিলেটর চিকিৎসিত হচ্ছেন এইমসর ত্বরিত চিকিৎসা সে বেশ লাভদায়ক হয়ে চিকিৎসক রোগী সম্পর্কীয় আগুক এভাবে হঠাৎ কৌশি বিপর্যয় আসলে ও অধিক সংখ্যক গুরুতর হসপিটাল আসলে সে সমস্ত ব্যবস্থা করা এইমস সর্বদা প্রস্তুত বলে কর্তৃপক্ষ সূচনা দিয়েছেন বর্তমান অর্গ সুপরফাস্টে সময় হয়েছে এক ছোট ব্রেক ব্রেক পরে স্বাগত সামাজিক বৃক্ষরোপণ এবং পুষ্টিকর ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় অবদান পাই মিলিলা পুরস্কার 72তম বন মহোৎসবরে আদানি ফাউন্ডেশন এবং এহার দল সুপোষণ সঙ্গিনীকু বৃক্ষ মিত্র পুরস্কার প্রদান করা যাইছি। সামাজিক বৃক্ষরোপণ এবং পুষ্টিকর ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় অবদান পাই 72তম বন মহোৎসবরে আদানি ফাউন্ডেশন এবং এহার দল সুপোষণ সঙ্গিনীকু বৃক্ষ মিত্র পুরস্কার প্রদান করা যাইছি। বিভিন্ন মান্যগণ্য ব্যক্তিক উপস্থিতিতে মহিলা এবং শিশু বিকাশ নিগমর সভাপতি লীলাবেন অঙ্কুরিয়া এই পুরস্কার প্রদান করে 2019 নর্মদা জেলার পুষ্টিহীনতা দূর করা সহ আদানি ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ কার্য করছে। বিভিন্ন গ্রামর 195 জন স্থানীয় মহিলাঙ্ক চয়ন করে সে সুপোষণ সঙ্গীন ভাবে তালিম দিয়েছে। সঙ্গিনী ভৌণী মানে নর্মদা জেলার প্রত্যেক গ্রামক যাই মা এবং বাড়িকা মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্য মার্গদর্শন প্রদান করতে এবং 5 বর্ষ বয়স পর্যন্ত পিলাঠে পুষ্টিহীনতা দূর করা অঙ্গনওয়াড়ি এবং স্থানীয় লোক সহযোগে কার্য করতে আদানি ফাউন্ডেশন এই পুরস্কার সাথী মানুষ প্রেরণাদায়ক কহি ধন্যবাদ জনাইছি। লিঙ্গরাজ মহাপ্রভুঙ্କ নীতিকান্তি বন্ଦ ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୈତା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୈତା ଲାଗି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବହୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ମନ୍ଦିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବହୁ ନିଯୋଗ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଧିକାର ମନ୍ଦିର ହେବା ଦିନଠାରୁ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଜୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ମଣ୍ଡଳୀ ଡିସିସନ କରିକିରି ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ 3 କୋଟି ପଇସା ଲାଗି କରିବେ, ବଡ଼ମାନେ 24ଟି ପଇସା ଲାଗି କରିବେ। ତାକୁ ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ତାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଗି କରି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଟକେ ନା ଟଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏଜୁଟ ଅର୍ଡ଼କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ବିବାଦ ହେଉଛି ଯେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 3 ପଟ ଲାଇକ୍ କରିବୁ, ବଡ଼ୁମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି 24 ପଟ 37 ପଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 37 ପଟ ଲାଗି କରିବାର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 3 ପଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା 18 ତାରିଖରେ, ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରକୁ 41ରେ ଯିଏ ଯାହାର ରାଇଟ୍ ସତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ବିବାଦଟା ପୁନର୍ବାର ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକର 1300 ଗାଁକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭିତରକନିକାରେ 3ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। 2015ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେ ଆଉ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କି ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଏକ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍, ଗୋଟେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ସେ କମିଟିର ବିନା ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନେଇପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଜ୍। ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ପରିବେଶ ଆଉ ଭିତରକନିକା ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପକାଇବେ ନାହିଁ ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଆଉ IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏସେସମେଣ୍ଟ ESIA ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ, ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଆଉ ଚକିତ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଭିତରକନିକା ଉପରେ। ଏଣ୍ଟାୟାର 100 some pages ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଭିତରକନିକାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କରିଛି କିଏ? ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ କରିଛି IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇକି ପବ୍ଲିକକୁ ଯେଉଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାରପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଅରାଜକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପୂର୍ବୀ, ଏବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଯେ SP ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ହେଉ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏ ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। 40% କାମ ସରିବା ପରେ 3 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଗଲା। 7 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ RWSS ଠିକା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ESI ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SP କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ରେ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ SP ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟିମ୍ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର 15 ପାର୍ବତ ଆରୋହୀ ଦଳ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 20,050 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ 151 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଗୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟିମ୍। 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସମୁଦାୟ 18 ଜଣ ସଫଳତାର ସହ ପାର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲିଡରସିପ୍ରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲିଡରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନମ୍ ପିକ୍ରେ 6,111 ମିଟର ହାଇଟ୍ରେ 151 ଫୁଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆମେମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲୁ। ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା 15 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବହୁତ ସାରା ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 11 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିଲୁ ଏବଂ ତା'ଠୁ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର 3-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେହି 151 ଫୁଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଯାହା ରଷିଆର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍।
राजधानीर फार्म हाउस्रु सन्देहजनक भावे युवतीक मृतदेह मिलिबा घटना। मृत छात्रीर हेब डायटम और विसरा टेस्ट। विषक्रियु मृत्यु होई कि नहीं विसरा टेस्ट्रु जनापड़। से पोखरी में बुड़ी मृत्यु होई कि नहीं ताहा डायटम टेस्ट्रु जनापड़। गतकाली भुवनेश्वर रघुनाथपुर स्थित फार्म हाउस पोखरी छात्री मृतदेह उद्धार होता। गतकाली नंदनकानन थाना अंतर्गत पोखरी जन युवती मृत शरीर मिलता। साइंटिफिक टीम घटनास्थल परिदर्शन कर शव विच्छेद कराई डायटम टेस्ट पर एसएफएसएल को नमूना जीव जहाद्वारा कि मृत्यु कारण अधिक स्पष्ट हो जाए। जेकोसी मृत शरीर पा भितर मिलने तार डायटम टेस्ट में जनरली पठा जाए। से पानी बुड़ी की ड्राउनिंग रे मरिछंती बोली अधिक स्पष्ट हो। घरे अपसेट थे फर्स्ट जिन सेकेंड जिन सीसीटीवी सी एक्टी आसंगे कई ना। थर्ड जिनस मृत शरीर पानी भितर मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आम अपेक्षा करूँ। इनक्वेस्ट रिपोर्ट में अन्न्य कौन क्षत शरीर में मिलना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला डायटम टेस्ट रेजल्ट आसला कनक्लूसिवली आम कौन सिद्धांत पहुँची पार। मृत छात्री ना कामिनी प्रियदर्शिनी। नंदनकानन निकटस्थ रघुनाथपुर अंचल घर बापा जड़े प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रोफेसर घरठू मात्र 500 मीटर दूर से सड़ंगी फार्म हाउस रे कामिनी को मृतदेह पड़ा देखा मिलता। घर को दूर से फार्म हाउस को कहीं गले कामिनी ए फार्म हाउस विषय पर खबर नथिला। वर्तमान सुपरफास्ट समय हो एक छोट ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत। राजधानी में बेकाबू डेंगू। भुवनेश्वर में धीरे धीरे काया मेलाउछि डेंगू। बढ़ुछि डेंगू रोगी संख्या। विभिन्न बस्ती अंचलरु डेंगू आक्रांत चिन्हट होबापरे एबे कॉलोनी रे भी व्यापी गलानी। गत 24 घंटे भुवनेश्वर में मोट 68 जन डेंगू रोगी चिन्हट होइछन्ति। भुवनेश्वर में मोट डेंगू रोगी संख्या 1620 को वृद्धि पाई। एबे सुधा 1113 जन डेंगू रोगी सुस्थ होइछन्ति। एबे सुधा एक्टिव केस 507 रही। तेरे राजधानी में विभिन्न डेंगू सचेतनता कार्यक्रम विभिन्न स्थान में बीएमसी पक्ष मशारी मानू नष्ट। गत 24 घंटे ओडिशार किछि जिले हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हो। पुरीठारे सर्वाधिक वर्षा 44.6 मिलीमीटर रेकर्ड। वर्तमान मौसुमी दुर्बल रही जहार प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना। वर्तमान ओडिशा उपरे मौसुम प्रभाव दुर्बल रही जहाँ आगामी 4 दिन जाए यही परिस्थिति लागि रहिबार संभावना रही। आमर वर्तमान जो पानीपागर स्थिति रही मुख्यतः मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा जहाँ राजस्थान बीकानेर बाहरी सबाई माधवपुर टीकमगढ़ सिद्धि जमशेदपुर और बालेश्वर मध्य पूर्व दिगरे यह उत्तर पूर्व बंगोपसागर जाए नमुच्छे। ता छड़ा गतकालीर एक जो घूर्णिबल रही जहाँ विदर्भ आखापाख अंचल सामान्य पश्चिम दिगरे गति कर दुई प्रकार पानीपागर नियम रोचे ता प्रभाव में आगामी 24 घंटे ओडिशार किसी स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा अनुभूत होवार संभावना रही। परवर्त जो तीन दिन रोचे से बर्षार फल सामान्य कमार संभावना रही। चतुर्थ दिन आमर ओडिशा उपकूल मध्य एक उत्तर दक्षिण निम्नचापरेखा अतिक्रम कर संभावना थी यही दिन आम बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही। डे वन रु डे थ्री कौन वार्निंग जारी कर डे फोर और डे फाइव में बिजुली घड़घड़ी संभावना थी वर्षा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर। आमर वर्तमान सुधा 1 जून रु आज 21 अगस्ट मध्य ओडिशा पाखापाखि 579.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। मौसुमी स्थिति अनुसार जून 1 तारिखर आज पर्यंत 823 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होगा कथा किंतु वर्तमान सुधा राज्य में 579 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जहां स्वाभाविक वर्षा ठारु 30% कम रही। आज भुवनेश्वर कटक रे पागो मुख्यतः मेघुआ रहिबो। वर्तमान अर्गस सुपरफास्ट समय सरी विदाय दिंतु। नमस्कार।